हाय एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और परिसरे किचन में आपका वेलकम है गाइस। आज मैं आपके लेके आई हूँ सियों की, जो नमकीन सियों होते हैं ना, बस आज मैं उसी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने कुछ मोटे सियों बनाए हैं, ये देखिए कुछ मोटे सियों हैं और थोड़े से बारीक सियों हैं। ये देखिए कितने करारे हैं, कितने अच्छे से इजली टूट जाते हैं। ये देखिए ऐसे ये बारीक वाली सियों भी हैं, ये भी देखिए कितनी अच्छे से। और आज मैं इनको सांचे से बनाऊंगी, ये देखिए है ना कितने बिल्कुल सॉफ्ट ही है और अच्छे हैं, कुरकुरे हैं। ये देखिए बहुत जल्दी बन जाते हैं। कुछ एक मैं नई इंग्रेडिएंट से बताऊंगी जिससे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जैसे हलवाइयों वाले बनते हैं ना, बस वैसे ही स्वाद आता है। तो चलिए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं गाइस। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम मिक्सर लेंगे, इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच के करीब जीरे। आप कहते होंगे जीरे डालते हैं क्या? डालते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच के करीब अजवाइन। और एक नई चीज़ बताती हूँ, उसके डालने से जो हलवाई में जैसा टेस्ट आता है ना, बस देखिए ये है 4-5 करीब मैंने लहसुन डाला है। आप चाहें तो डाल सकते हैं या आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने एक थाली लिया है, इसमें मैंने लिया है 2 कटोरी के करीब बेसन। ये देखिए बेसन को मैं पहले से ही अच्छे से छान चुकी हूँ, ये 2 कटोरी मैंने बेसन लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, ज़्यादा है सिर्फ मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें नमक डाला है। और फिर हम डालेंगे ये देखिए गाइस, इसके बाद थोड़ा सा फिर हम डालेंगे 1 पिंच के करीब हींग। हींग आप ज़रूर डालिए, हींग डालने से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सियों का टेस्ट और अच्छे से बढ़ जाता है। फिर हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है ये, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं होता और सियों का कलर भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से हम 1 चम्मच के करीब कश्मीरी पाउडर डाला है। और फिर जो हमने मिक्सर में ग्राइंड में किया था ना जो पेस्ट हमारा, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा सा मैंने ज़रा पीसा है, आप चाहें तो और बारीक बिल्कुल इसको पीस सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से इसको पीस लिया था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। ये देखिए इस तरह से मैंने हल्दी भी डाल दी है। और हम डालेंगे मोइन, क्योंकि ये डालने से रिफाइंड ऑयल डाला है, ये 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल है। इससे जो हमारे सियों रहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं, इसलिए मोइन डालना तो बहुत ज़रूरी है। बस सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद एक थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे। और डो को आप याद रखिए, ज़्यादा टाइट ना बनाइए, बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, जिससे जो हम सियों बनाएंगे ना वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, तो जल्दी जल्दी अच्छे से निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक डो तैयार करेंगे। ये देखिए ज़्यादा टाइट नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए। और हल्का सा तेल हाथ में लगा के इसको और अच्छे से मस लेंगे, जिससे ये जो डो है हमारा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और तेल डालने से ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा, जिससे सियों हमारे जो हैं बहुत जल्दी, जिस उससे हम बनाएंगे ना बहुत जल्दी निकलेंगे। ये देखिए ये सियों निकालने वाला सांचा है और ये इस वाली जाली से हम बनाएंगे। ये देखिए इसके बाद हम इसमें इसको हम ये मैंने जाली इसमें फंसा दी है। पहले मैं थोड़ा सा मोटे वाले बनाऊंगी, इसके बाद मैं और बारीक वाला इसका जो सांचे की जाली रहती है ना वो लूँगी। अभी मैंने ये मोटे वाला लगाया है। और जो सांचा रहता है उसमें आप रिफाइंड ऑयल या तेल कोई भी आप अच्छे से लगाइए, जिससे जो हमारा डो है वो आसानी से अच्छे से निकल जाए। हम जो ये डो लेंगे थोड़ा सा इसको हम सिलेंडर जैसा बनाएंगे और ये देखिए इस तरह से इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा और ले लेंगे और अच्छे से इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए गाइस इस तरह से। इसके बाद हम इसको अच्छे से पैक कर देंगे और बस ये देखिए
मेरा तो ये वाला सांचा है, आप कोई भी ले सकते हैं, एक ठो जो स्प्रिंग वाला आता है आप उसे भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे और फिर इसका एक सियोंग तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और हमारा जो तेल है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, हल्का करेंगे, नहीं तो जो सियोंग है ना हमारे बहुत जल्दी लाल जल जाएंगे, इसलिए हम धीमी आंच कर देंगे बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से जो सांचे से कितने अच्छे से कितनी ईजली से जो सियोंग है वो निकल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ईजली ये निकल जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से धीरे से निकाल के और फिर किसी भी चाकू की सहायता से आप उसको बीच से काट दीजिए, जिससे जो सियों हैं पूरे अच्छे से निकल जाएंगे। और बस इस तरह से धीमी आंच में इनको अच्छे से सेक लेंगे। देखा है ना कितना इजी रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाते हैं। हम होटल में जाने की जगह हम घर पर ही सियों इजली तैयार कर सकते हैं। ये कई काम आ जाते हैं, लड्डू बनाने में काम आते हैं, सुबह के नाश्ते के लिए भी काम आते हैं, आप इनको ऐसे ही खा सकते हैं। ये देखिए गाइस इस तरह से थोड़े थोड़े करके हम इनको सेक लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल आप मीडियम ही रखिए, नहीं तो ये ज़्यादा लाल हो जाते हैं। देखिए इनका कलर काफ़ी अच्छे से चेंज हो चुका है। बस इसी स्टेज में हम धीरे से इनको निकाल देंगे। इसी तरह से हम बारीक वाली भी सियों बना लेंगे। ये देखिए गाइस हमारे मोटे वाली सियों और बारीक सियों दोनों तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने कुरकुरे हैं, बहुत जल्दी हाथ से बिल्कुल टूट जाते हैं, ज़रा सा भी कड़ापन नहीं है इनमें। तो गाइस यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए ये बारीक वाले सियों भी हैं, ये भी देखिए है ना बिल्कुल होटलों जैसे, बहुत ही कुरकुरे हैं ये। इस तरह से हमारे नमकीन स्वादिष्ट टेस्टी सियों तैयार हैं। तो गाइस बनाइए खाइए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।